राधा रानी के हर भोग के बाद राधा रानी के मुख से पान बीड़े का प्रसाद स्पर्श किया जाता है। वैसे तो सभी भोग श्री जी के सामने परोसे जाते हैं, लेकिन यह एकमात्र वह प्रसाद नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरी राधा रानी में। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको राधा रानी की पांच प्रिय चीजें बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ब्रज की अन्य लीलाएं और भक्तों की अनेकों सच्ची घटनाएं बताते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राधा रानी का सबसे प्रिय कलर कौन सा है। तो मित्रों, राधा रानी को सबसे प्रिय कलर नीला रंग पसंद है, क्योंकि बांके बिहारी का कलर भी श्यामवर्ण है, इसलिए श्यामवर्ण हमारे बांके बिहारी ही श्री जी को सबसे प्रिय है, इसलिए हमारी राधा रानी का सबसे प्रिय कलर नीला कलर है। तो अब बात करते हैं सबसे प्रिय मिष्ठान राधा रानी को क्या लगता है। तो आपको बता दें कि राधा रानी को मिठाई में सबसे प्रिय रबड़ी लगती है, क्योंकि रबड़ी सबसे ज़्यादा मीठी और सबसे ज़्यादा कोमल होती है। उसी तरह हमारी राधा रानी भी सबसे ज़्यादा कोमल और सबसे ज़्यादा मीठी है, क्योंकि वह अपने भक्तों की तुच्छ सी भक्ति पर ही रीझ जाती है और भक्तों के संकट को दूर कर देती है। मिष्ठान की तो बात हो गई, तो अब बात करते हैं कि श्री जी को नमकीन में सबसे प्रिय क्या है। तो आपको बता दें, राधा रानी को नमकीन में अरबी की सब्जी सबसे प्रिय है, इसलिए राधाष्टमी के अभिषेक के तुरंत बाद राधा रानी को अरबी की सब्जी का सेवन कराया जाता है, इसलिए राधा रानी को नमकीन में सबसे प्रिय अरबी प्रसाद लगता है। तो अब सवाल आता है कि राधा रानी का सबसे प्रिय पर्व कौन सा है। तो मित्रों, आपको बता दूं, राधा रानी का सबसे प्रिय पर्व होली का माना जाता है, क्योंकि इस पर्व का इंतजार पूरी पूरी साल हमारी राधा रानी ने किया है कि कब फाग का महीना आए और मैं सांवरे के साथ होली खेलूं। और ऐसा माना जाता है कि विश्व प्रसिद्ध लठामार होली हमारे पूरे देश विदेश में देखी जाती है, इसलिए हमारी लठामार होली बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लठामार होली भी कही जाती है, इसलिए यह हमारी राधा रानी का सबसे प्रिय पर्व माना गया है। तो अब आखिर में बात करते हैं कि हमारी श्यामा जी को सबसे प्रिय भोग कौन सा है। तो आपको पता ही होगा कि हमारी राधा रानी को सबसे प्रिय भोग पान बीड़े का लगता है। जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि राधा रानी के हर भोग के बाद राधा रानी के मुख से पान बीड़े का प्रसाद स्पर्श किया जाता है। वैसे तो सभी भोग श्री जी के सामने परोसे जाते हैं, लेकिन यह एकमात्र वह प्रसाद है जिसे पुजारी जी अपने हाथों से साक्षात श्री जी के मुख से स्पर्श कराए जाते हैं, इसलिए यह हमारी राधा रानी का सबसे प्रिय प्रसाद भी माना जाता है। तो देखा आपने, ये पांच चीजें हमारी राधा रानी को बांके बिहारी के बाद सबसे ज्यादा प्रिय हैं। तो जब भी आपको राधा रानी की सेवा की बात हो या राधा रानी को मनाने की बात हो, तो इन पांचों चीजों का ख्याल रखते हुए राधा रानी की सेवा करना, तो हमारी राधा रानी आपके ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और राधा नाम का गुणगान करते रहिए। राधे राधे।